सना लेस्टर पहुंच गई पाकिस्तान की टीम, क्या इस वक्त तैयारी है और क्या कैंप में फीलिंग है आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग लॉस यस्टरडे? बिल्कुल जी, काफ़ी ऑब्वियसली लड़कियां डिसहार्ट भी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि बड़े दो क्लोज मैचेस ऐसे मैचेस जहां पर एक इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त खेली, बल्कि साउथ अफ्रीका में तो दोनों इनिंग्स ही 49th मैच ओवर तक हमने बहुत ही क्लोज खेला। तो डेफिनेटली ये बार बार इस तरह के लॉसेज जहाँ पर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने के बाद आप एक इनिंग्स में या 5-6 ओवर्स के स्पैन के अंदर जब कॉन्सेंट्रेशन लूज करके मैच हारते हैं तो डेफिनेटली द होल टीम मोरल गोज डाउन। तो अब इसको कोशिश करें कि चेयर अप करें थोड़ा सा ताकि अगले मैचेस के लिए हम लोग और स्ट्रॉन्ग होकर आ सकें। आप सभी आप बताएं, इस वक्त क्या आज आपने सोचा है टीम को किस तरीके से दोबारा से खड़ा करना है और क्या प्लान है प्रैक्टिस वगैरह का वेडनेसडे से अगले मैच तक? बिल्कुल, ये देखें, आप इंडिया से इंडिया की टीम को इतना अच्छा हमने स्टिक किया 169 पे और उसके बाद फिर हम अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं कर सके, इसका सारी टीम को बड़ा अफसोस है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हम देखनी है हमें, आज हमने बड़ा लाइट सेशन सा रखा हुआ है तो मेंटली वापस आना है और अगले 4 मैचेस के लिए हमने अपने आप को मेंटली और बहुत सारी चीज़ों को देखना है, जो हमारी चीज़ें कमी रह गई है पिछली बैटिंग में तो उसके ऊपर काम करना है और इंशाल्लाह परसों से हम जो है ना दोबारा एक नए जज्बे के साथ और नए उसके साथ दोबारा मैच खेलें। सना आप बताएं कि यू नो आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए इस वक्त और जो आपकी पेडिग्री इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस टूर्नामेंट को आपने किस तरीके से देखा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हेल्प करेगा खासतौर पर यंग प्लेयर्स को? मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट बड़ा ही ज़बरदस्त वर्ल्ड कप अपनी एक पहली नौयत का इतना क्लोज वर्ल्ड कप है जिसमें सारी टीम बहुत ही क्लोजली क्लोज मुकाबले खेल रही है, जैसे साउथ अफ्रीका और हम लोग कभी इस तरह इतने क्लोज नहीं आए वर्ल्ड कप्स के मैचेस में, वैसे मैचेस में आते रहे पर वर्ल्ड कप के मैच में। इसी तरह अभी आपने देखा कि जो मैचेस इंडिया ने इंग्लैंड को अपसेट किया वो बड़ा ज़बरदस्त एक मैच था। तो ये जिस तरह की क्रिकेट हो रही है मेरे ख्याल से एक ओवरऑल नज़र आ रहा है कि कितना काम हो रहा है वुमेंस क्रिकेट के ऊपर ग्लोबली, हर मुल्क अपनी वुमेंस क्रिकेट के ऊपर कितना ज़्यादा काम कर रहा है और हम लोग के अपने प्लेयर्स के लिए मेरे ख्याल से जैसे कल डयाना और नशरा हमारे यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया एक वर्ल्ड स्टेज पर, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही खुशहाली बात है कि इस तरह के स्टार अगर हम लोग बनाना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड लेवल पर, डेफिनेटली आने वाले प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। जैसे जिक्र किया सभी सना ने डायना का खास तौर पर, उनके बारे में बताएं और उनको इंडक्ट करना और फिर उनकी फील्डिंग एफर्ट, काफ़ी लोगों का कहना था कि वुमेन क्रिकेट में बहुत ही कम ऐसे आउटस्टैंडिंग फील्डर नजर आए, तो कितना हार्टनिंग है खासतौर पर जिस तरीके से उन्होंने टीम को लिफ्ट किया? बिल्कुल, उसके फील्डिंग के अंदर होने से हमारा फील्डिंग यूनिट जो है वो एकदम से, कल आपने नोट किया होगा कि नॉट ओनली डायना बल्कि सब ने जो है बड़ी अच्छी फील्डिंग की है और डेफिनेटली एक दो गुड फील्डर्स के साथ पूरी टीम के ऊपर असर पड़ता है। तो डायना जो है वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, उसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, उसने फील्डिंग में भी जिस तरह फील्डिंग की है मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो है ना वो फील्डर है और मुझे उम्मीद है कि अगले मैचेस में भी इसी तरह हमारी टीम फील्डिंग करती रहेगी और इसी तरह अगर हमने बॉलिंग को कायम रखा कोई ना कोई हम बड़ा मैच इंशाल्लाह जरूर जीते। अब सलाम, ऑब्वियसली आप इंस्पिरेशन हैं पाकिस्तान की यंग गर्ल्स के लिए, तो अब इस टूर्नामेंट में क्योंकि टेलीवाइज भी हो रहा है, मैचेस भी दिखाए जा रहे हैं, क्या समझती हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा कि जो और लड़कियाँ इंस्पायर हों और आपकी एग्जाम्पल को फॉलो करें, बाकी प्लेयर्स की एग्जाम्पल को फॉलो करें? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से हमने इंस्पायर करने के हिसाब से जो फील्डिंग एफर्ट्स हैं दोनों मैचेस में, सवाय इंग्लैंड के मैच में जिसमें आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे वी फील्डेड, पर बाकी साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों में जो फील्डिंग एफर्ट थी जिस तरह टीम ग्राउंड में लड़ी है और जिस तरीके से पूरी टीम ने एक होकर अगली बड़ी से बड़ी टीम को, मतलब इंडिया ऐसी टीम थी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट 280 किया है उसको 169 पे आउट करना, मेरे ख्याल से ये एक अचीवमेंट ज़रूर है, पर उसको अगर हम लोग मैचअप कर पाते अपनी बैटिंग के साथ तो ज़्यादा इंस्पायरिंग होता, पर कोशिश ये ज़रूर होगी कि इस तरह की क्रिकेट ज़रूर खेलें, जो हम लोग अपना बेस्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करें, बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं होते पर हमारी एफर्ट और मेहनत जो हम ग्राउंड में डालते हैं वो हमारे हाथ में। सभी ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट, कितना फॉर्मिडेबल चैलेंज है और किस तरीके की प्लानिंग करना ज़रूरी होगी, उन प्लान्स को फिर ऑब्वियसली एग्जीक्यूट भी करना होगा? हम तकरीबन हर मैच में एक प्लान के साथ जाते हैं और उसी के ऊपर हम काम करते हैं और जिस तरह लास्ट मैच में भी हमने पूरा एक प्लान दिया, प्लान था सारे बॉलर्स को पता था क्या करना है, हर बैट्समैन को हमने एसेस किया हुआ था, इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जितनी बॉलिंग है बैटिंग है उसका एनालाइज करेंगे बैट के सारे बॉलर्स एंड बैट्समैन, उनके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट की एक बड़ी टीम है
लेकिन जिस तरह इस वक्त हमारी टीम बैटिंग और सॉरी फील्डिंग और बॉलिंग कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर हमने 200 प्लस में उन्हें रिस्ट्रिक्ट करेंगे या अगर हम उनके खिलाफ 230 कर जाते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए एक मुश्किल टास्क होगा। लास्टली पर्सनल एम्बिशन फॉर ऑस्ट्रेलियन गेम सना, और टीम को किस तरीके से आप उठाना है, पहले भी सवाल किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया को मद्देनजर रखते हुए। बिल्कुल, ये एक टफ चैलेंज है। ऑस्ट्रेलिया इस पर कोई मैच नहीं हारा, इंडिया के साथ भी हम ऐसे ही गए थे कि एक टीम जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी उसको उसके कॉन्फिडेंस को झटका देना था, वो हमने दिया, उस तक कामयाब हुए पर उसको फिनिश नहीं कर पाए। तो कोशिश ये होगी ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी एक अच्छे स्पिरिट के साथ जाएं, जाके टीम को लड़ाएं, नज़र आए कि टीम अंदर लड़ रही है। और पर्सनली भी मेरा एज अ कैप्टन और एज अ बॉलर एज एन ऑलराउंडर भी यही है कि जो मेरा सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन में मेरी ज़रूरत पड़े टीम को, उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। सभी लास्टली क्रिकेट फैंस बैक होम और ओवरऑल जो वुमेन क्रिकेट को फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, क्या उनका मैसेज, उनके लिए मैसेज देंगे आप इस वक्त? मैसेज यही है कि देखिए, पाकिस्तान की वुमेन टीम बाकी जितनी भी टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप में खेल रही हैं, वो काफ़ी अर्से से वुमेन क्रिकेट खेल रही हैं, और हमारी ये लड़कियाँ पिछले 10 साल से सिर्फ क्रिकेट में हैं, तो उनको पूरी फुल सपोर्ट करें। अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, सिर्फ रिजल्ट उस तरह का नहीं आ रहा जिस तरह का हमारी कौम को उम्मीद है, लेकिन आने वाले मैचेस में इंशाल्लाह हम अपनी कौम की पूरी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। लास्टली फ्रॉम यू मैसेज फॉर योर फैंस और पाकिस्तान में जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं क्रिकेट में फॉलो कर रहे हैं। बहुत सी डिफरेंट तरह के फैंस होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी एफर्ट को, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू, और जिनको हमारी एफर्ट इतनी पसंद नहीं आ रही, हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले मैचेस में जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस। थैंक यू वेरी मच।